हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू मैच। आज का मैच काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि भाई ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से आ चुका है मैचेस के लिए। तो भाई आज सीधा सीधी फेस ऑफ होने वाला है टीम रोमन से। तो भाई आज देखना होगा क्या टीम रोमन ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन से मैचेस विन कर पाता है कि नहीं, क्योंकि भाई ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन ना काफी दिनों के बाद आया है मैचेस के अंदर भाई, क्योंकि पता नहीं ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन छुट्टी मनाने गया था हमको लग रहा है। पर अब देखना होगा भाई इतना दिनों के बाद मैचेस किस तरीके से पलटता, और भाई साहब अंडरटेकर अभी भी फॉर्म में दिखते हुए आते ही टॉम स्टोन इनकमिंग। ओ भाई साहब, टॉम स्टोन नहीं है, वो सीधा सीधी सुपर फिनिशर आते ही लगाते हुए भाई साहब अंडरटेकर का तो फुल ऑन स्टार्टिंग है पे हम लोग को लग रहा है कमबैक दिख चुका है। और भाई रोमन रीन्स को भी टारगेट कर दिया। लो भाई अंडरटेकर तो फुल ऑन फ्लेज मोड पे आ चुका है, आते ही काफी खतरनाक स्टार्ट होते हुए लगातार 1v2 सिचुएशन आ रहा। भाई साहब अंडरटेकर फुल पावर, देखना होगा अंडरटेकर ने सारा फिनिशर खत्म कर चुका है। तो भाई ऑर्टन को यहाँ पे इस चीज का एडवांटेज उठ सकता है क्योंकि फिनिशर मूव ऑटन के पास है। तो ऑटन अगर फिनिशर मूव लगाता है ना तो भाई अंडरटेकर का जितना स्पीड अप में कमबैक हुआ है ना, वो कमबैक मेरे को बहुत जल्दी लूज ऑन पे दिखने लगे और भाई शायद एलिमिनेशन भी हो सकता है। पर भाई यहाँ पे केन भी रुकने वाला नहीं है भाई, रोमन स्टेबलशिप को रिंग के बाहर अपना टॉम स्टोन लगा दिया केन। भाई ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन आज तो फुल ऑन चैलेंज और एक्सेप्टेड चैलेंज करके आया है कि भाई आज इस टीम रोमन को तो बहुत गंदा तरीके से हराने वाला। पर भाई ऑटन भी यहाँ पे फुल ऑन रेडी था, जिस तरीके से वो सुपर फिनिशर खाया था ना, वो सुपर फिनिशर वो अपना कमबैक कर लिया और भाई साहब वसूल कर दिया, सीधा सीधे अंडरटेकर को भी ना अपना सुपर फिनिशर दिखला ही दिया और भाई सीधा सुपर फिनिशर लगते हुए और अंडरटेकर का कमबैक से यहाँ पे टाटा गुड बाय हम लोग को देखने मिलने वाला है, क्योंकि भाई अंडरटेकर हो चुका है एलिमिनेट। अब अंडरटेकर का कमबैक हम लोग को देखने मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाई हमको लगा था अंडरटेकर जिस हिसाब से स्पीड में आया है ना, उस हिसाब से स्पीड में चला भी गया। तो भाई अब अंडरटेकर यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। तो ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन में लास्ट मेंबर बचा जो कि है केन। केन भी फुल पावर चार्ज्ड अप था क्योंकि भाई ट्रैवल शिप को रिंग के बाहर सीधे सीधे टॉम स्टोन लगा रहा था भाई, तो केन भी मेरे को लग रहा है चार्ज्ड अप होके आया। पर भाई ये लोगों का कमबैक मेरे को ज्यादा देर तक दिखने नहीं मिलने वाला है। पर भाई ऑटन जिस तरीके से कमबैक किया ना, ये मानना पड़ेगा मेरे को लगा ना लगातार जो सुपर फिनिशर का है ना, तो अंडरटेकर एलिमिनेट कर दिया ऑटन को। पर यहाँ पे ऑटन ने गेम पलट दिया, सीधा एलिमिनेशन अंडरटेकर ही को करा दिया भाई, सीधा सुपर फिनिशर लगा के। ये होता है भाई टीम रोमन का फायदा, और भाई खतरनाक टीम मैचेस टीम रोमन के सिवा कोई नहीं कर पाता है। और यहाँ पे देखना होगा भाई नेक्स्ट टीम, अगर आप लोग के पास कोई बढ़िया सा टीम रहे तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपन नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे। बहुत ही खतरनाक मैचेस, और यहाँ पे मिल चुका है ऑटन को अटैक, क्योंकि ट्रैवल शिप आके रिंग के अंदर ना सारा फिनिशर खत्म कर चुका। और भाई साहब यहाँ पे केन मोमेंटम ही का तलाश में जा रहा था और चोक स्लैम बेचारा ऑटन पड़ गया भाई। ट्रैवल शिफ्ट को पड़ता तो शायद ट्रैवल शिफ्ट एलिमिनेशन से थोड़ा सा क्लोजिंग कर सकता था, पर सही हुआ कि ऑटन को पड़ा, क्योंकि ऑटन के पास ना यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ रिकवरी के लिए हो सकता है। पर भाई यहाँ पे केन रुकने वाला नहीं है भाई, अंडरटेकर को एलिमिनेशन किया था ना, तो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का इसलिए ब्रदर्स बोला जाता है। भाई साहब आखिरकार सारा फिनिशर वो खत्म कर चुका है और सीधा ऑटन को भी लगा दिया और भाई ट्रैवल शिफ्ट को भी लगाते हो भाई, एक निशाने पे दो तरीके से हो चुका है, यहाँ पे दो दो फिनिशर खत्म हो चुका है। और बचा है रेजिलियंस मूव, मेरे को लगता है यहाँ पे सबमिशन मूव के लिए गया है, और यहाँ पे देखना होगा ऑटन कमबैक कर पाता है या फिर भाई फिनिशर मूव ये ले सबमिशन गिव अप करेगा। मेरे ख्याल से कम ही चांसेस है, क्योंकि भाई सबमिशन गिव अप करना बहुत ज़्यादा ही कम ही चांसेस रहता है 2K24 में, अभी तक हम उतना ज़्यादा देख नहीं पाए सबमिशन को गिव अप करा, कम ही चांसेस है कि बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर पाता, अगर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन है ना तो उस सिचुएशन में हो सकता है। पर भाई यहाँ पे ऑटन फटाफट से टैग दे देगा, क्योंकि भाई ऑटन अगर टैग नहीं देगा ना तो भाई ऑटन पहले ही टाटा गुड बाय हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में कोई भी एक एलिमिनेशन होता ना भाई, तो सिचुएशन हो चुका जाएगा सेम टू सेम, और तो फिर सेम टू सेम में सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कम ही चांसेस रहते कि कमबैक होगा। पर भाई राइवल शेफ के पास फिनिशर मूव था, तो भाई यहाँ पे सीधा सीधी मेरे को लगता है रेजिलेंस मूव केन यूज़ करेगा और नहीं यूज़ कर पाया भाई, इस तरीके से फिनिशर मूव लगेगा तो कोई चांसेस ही नहीं कि वहाँ पे फिनिशर मूव का यहाँ पे रिकवरी हो सकेगा। तो अगर यहाँ तक का मैच आप लोग देखे तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक मार दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग के पास कोई मैचेस टीम रहे तो कमेंट सेक्शन में बता दिए, अपन नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि आप लोग इस तरह का सारा मजेदार सारा वीडियोज मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।